नगर के वरिष्ठ समाज सेवी सुरेश बंधु का जन्मदिन करेरा नगर के साहित्यकार संघ के द्वारा मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गहोई समाज संघ अध्यक्ष द्वारिका निखरा, अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार घनश्याम योगी, विशिष्ट अतिथि अरविंद बेंडर, संजय पहाड़िया, वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र तिवारी, पत्रकार संजय गुप्ता बिलैया मंच पर मंचासीन कराया गया। अतिथियों द्वारा सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। सभी साहित्यकार समाज सेवी गणमान्य नागरिक पत्रकारों ने रंग गुलाल लगाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही वरिष्ठ समाज सेवी सुरेश बंधु का केक काट कर जन्मदिन मनाया गया। साथ ही सभी साहित्यकार संघ ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। भारतीय व्यापार उद्योग मंडल जिला अध्यक्ष संजय पहाड़िया ने कहा कि होली के त्यौहार गले मिलने, दूरियां मिटाने, खुशियां मनाने का त्यौहार है। इस पावन दिन पर आप सभी करेरा शहर के प्रत्युत जनों को शुभकामनाएं देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। बंधु एवं वरिष्ठ समाजसेवी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुरेश बंधु के निवास पर आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। आभार नवाकुट सेठ ने किया। कार्यक्रम में प्रमोद भारती, नरेंद्र सरावगी, सतीश श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, राकेश निखरा, सतीश बिलैया, मुकेश सेठ, केदार बिलैया, दीपक कुछिया, पीडी शर्मा, राजू नगरिया, अशोक नगरिया, योगेश कनकने, संगठन मंत्री सतीश सेठ, सौरभ तिवारी, शिवम यादव, पीयूष योगी आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए साहित्यकारों की प्रस्तुति। रिपोर्ट संजय गुप्ता बिलैया करेरा। दिव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय निखरा जी, आदरणीय बेडर जी, आदरणीय पाहिया जी, आदरणीय श्री नरेंद्र तिवारी जी, बिलैया जी और समस्त साहित्यकार बंधु, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हरीश जी, सभी को नमन करते हुए जो हमारे साहित्यकार बंधु हैं या साहित्यकार जो परिवार है, उनके माध्यम से हम सब आदरणीय सुरेश बंधु जी का जन्मदिन मना रहे हैं। उनको हम सब काव्यमय शुभकामनाएं अर्पित कर रहे हैं। मैं भी इस अध्यक्षीय आसन से आदरणीय सुरेश बंधु जी के जीवन की शुभकामनाएं समर्पित करता हूं और वे हमेशा जिस तरह से मुस्कुराते रहे हैं समाज में, समाज सेवा करते हुए, इसी प्रकार से उनके व्यक्तित्व का, उनके कार्यशैली का हम सबको जो है लाभ मिलता रहे ऐसी हम कामना करते हैं भगवान से, सरस्वती माँ से। आप सब की शुभकामनाएं का अनुवाद मैं समर्पित करता हूँ। पहले जो है 4-5 दोहे परम आदरणीय बंधु जी के लिए इस प्रकार, लेकिन एक एक दोहे से सबके साथ में भाग खेलना चाहता हूँ। एक एक दोहे देकर के मैं सबके साथ में जो है भाग होली जो है खेलना चाहता हूँ। और इसके बाद माने मेरा मन कहेगा तो ये गीत लास्ट में अवश्य प्रस्तुत करूँगा। पहले जो है 2-3 पंक्तियाँ हम पूर्णिमा को होलियाँ जलाते हैं, पूनम जलाते हैं, लेकिन दिलों में जो नफरत है वो नफरत जो है नहीं मिट पा रही है, वो नफरत मिटना चाहिए। तो पहले जो है 4 पंक्तियाँ, इसके बाद में जो है आप सबके साथ एक एक दुआ को समर्पित करते हुए मैं सबके माथे पर गुलाल लगाना चाहूँ। में होलियाँ जलाते हैं पूनम सुहानी में, होलियाँ जलाते हैं नफरत करते हैं और टोलियाँ बनाते हैं, नफरत करते हैं और टोलियाँ बनाते हैं। क्यों बनती है? दाग दो दोषों को। पत्रकार बंधु जी, हमारे अरविंद भाई साहब जी, श्री संजय जी पारिया जी, श्री नरेश जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष गहोई समाज त्यौहार। तो सबसे पहले मैं सभी अतिथियों का, सभी मानुभावों का, सभी सहयोगी बंधुओं का स्वागत वंदन और होली की शुभकामना के साथ साथ मेहड़ा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हमारे जैसा कि सरकार की नगरी और आदरणीय हमारे मंगल श्री सुरेश बंधु जी के घर पर
एक संगोष्ठी हो रही है। जैसे एक कहावत है, किसी को जीतना तो आसान है लेकिन हारने वाले को जीतना बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे बंधु जी हैं जो सभी का दिल अपनी बातों से, अपनी प्रेरणा से जीत लेते हैं, ऐसे में आदरणीय बंधु जी को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा कि आज त्यौहार है होली का, ऐसी एक मान्यता है जो राजा थे वहाँ के, उनके महल के अवशेष भी मिलते हैं वहाँ, जिनको जिनकी बहन होलिका थी, जिन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में रखा था और होलिका जल गई थी और वो बचे नहीं गए थे, तो वो ऐसा कभी बुंदेलखंड में ही आता है। बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो होली का उद्गम हुआ वो हमारे यहीं से स्टार्ट हुआ। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे जो आज जितने भी साहित्यकार हैं, जैसे आज वाजपेयी जी ने मुझे प्यार चाहिए के ऊपर कहावत लिखी, मतलब अपनी कविता लिखी, खास कहा डॉक्टर एल गुप्ता जी ने श्याम जी मोए रंग खेली होली इसके लिए रखा, पीयूष योगी जी थे अच्छा बनना है तो सच्चा बनना होगा, झूठी दुनिया से बचकर रहना होगा, ऐसे द्विवेदी जी रखा, हम तो बूढ़े अब तो मैं बूढ़ा हो गया घर का कूड़ा हो गया। आदरणीय सतीश श्रीवास्तव जी ने क्या क्या नहीं हुआ फाइलों के अंदर, मतलब प्रेरणा देती है कि जो आज की चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर ये सारी चीज़ें रखी। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेम के ऊपर, प्रेम के गीत या इंसान ने गाए इसके ऊपर रखा। इसके हमारे जो सौरभ तिवारी जी हैं, उड़ाओ रंग लगाओ जनाब होली होली है, मैं तो ये मानता हूँ इतने गर्ज वाले जितने गर्जवान कवि हैं कि जब ये अपनी काव्य को पढ़ रहे थे तो बादल भी गरज रहा, और किसानों की परेशानी को लेके हमारे शिवम भाई ने बात रखी, और हमारे जो प्रमोद भारती जी मामा जी भी हैं, नशा छाया है आज के नौजवानों में इसके ऊपर उन्होंने बात रखी, और हमारे जो योगी जो नीरज कहे जाते हैं हमारे क्षेत्र के आदरणीय श्री घनश्याम योगी, जिनका जितना भी सम्मान किया जाए कम होता है, हम तो बालक हैं कितना सम्मान कर सकते हैं। पूनम सुहानी में होलियाँ जलाते हैं, नफरत करते हैं।